तकरीबन 35 साल से लतीफाबाद नंबर 12 के चौराहे के ऊपर डेरा लगाता हूँ। दूध की बोतल होती है मेरे पास, रसमलाई होती है, रबड़ी होती है, कलाकंद होता है, और सर्दियों में दो आइटम और होते हैं, एक गाजर का हलवा होता है, एक अखरोट का हलवा होता है। क्वालिटी देता हूँ मैं लोगों को कि गरीब लोग जो है मुनासिब पैसों में अच्छी चीज़ ले लें। अच्छा भाई, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कोई बर्गर शर्गर लेकर नहीं आया, ना ही कोई बिरयानी की वीडियो है। ये वीडियो है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 35 साल से एक ब्रांड बना के रखा है, और वो ब्रांड किस चीज़ का है? वो ब्रांड है दूध की बोतल का। और वो दूध की बोतल जो हम लोग अक्सर जगहों पर पीते हैं, लेकिन यहाँ पर 35 साल से एक जगह पर इतनी देर तक मतलब इतना मियार बना के रखना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। मैंने बहुत सारा नाम सुना, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि यार यहाँ का भी लोग आप लाजमी बनाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो चेक करते हैं बोतल का जायका है वो कैसा है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बचपन से यहाँ पर हैं, इनकी बोतल दूध की बोतल बड़ी मशहूर है यहाँ पर, और हम पीते हुए हैं बचपन से, बहुत ज़बरदस्त है। और इनके कस्टमर जो है ना रेगुलर वाले हैं, जो मतलब 25-30 साल से रोज़ डेली की बुनियाद पर आते हैं, बोतल पीते हैं या कलाकंद खाते हैं या रबड़ी खाते हैं या रसमलाई खाते हैं। मैं तकरीबन 35 साल से लतीफाबाद नंबर 12 के चौराहे के ऊपर डेरा लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस महंगाई के दौर में तमाम हैदराबाद की जितनी नामवर शॉपें हैं मिठाई की, जहाँ मेरी जैसी चीज़ें बिकती हैं, उनसे 10-20 रुपए हमेशा रियायत के अंदर मैं चीज़ को बेचता हूँ। और मेरा माल बिल्कुल प्योर होता है और रोज़ ताज़ा बनता है, रोज़ बिक जाता है। एक लिमिट के साथ मैं अपना माल लेकर आता हूँ, बेच के चला जाता हूँ। होता है मेरा माल बिल्कुल प्योर है, मेरा मावा भी प्योर होता है। मैं देसी घी में तो गाजर का हलवा बनाता हूँ, और मेरा दूध जो है वो बाड़े का दूध होता है, बाजार का दूध नहीं होता। क्वालिटी देता हूँ मैं लोगों को कि गरीब लोग जो है मुनासिब पैसों में अच्छी चीज़ ले लें। दूध की बोतल इस वक्त डिस्पोजल के अंदर तो लोग 120 रुपए की भी बेच रहे हैं, और जिसका जैसा हिसाब है, लेकिन मैं 100 रुपए की बेच रहा हूँ रेगुलर बोतल में, डिस्पोजल नहीं, रेगुलर बोतल में 100 रुपए की बोतल। अच्छा भाई, ये वो दूध की बोतल जो आपको 100 रुपए की मिलेगी, मतलब 100 रुपीज़ की, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं अक्सर पीता रहता हूँ, नाश्ते के अंदर भी अक्सर मैं पीता रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता था इस जगह पर भी कुछ यही चीज़ मिलती है। तो अभी ज़रा टेस्ट करने वाले हैं और बताते हैं भाई जो लोगों ने इतनी तारीफ करी उसके पीछे क्या राज है। बिल्कुल मावा हो रही है, मज़ेदार फैक्ट्री। भाई अंकल के इस बोतल की जो तारीफ हो रही है ना, उसके पीछे कोई चीज़ है, तो वो यही है, जो टेस्ट इसका है ना, जो मावा इसके अंदर आ रही है, जो मलाई वलाई का जायका आ रहा है, बेहतरीन लग रहा है और मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। तो अगर आप यहाँ पर आना होता आपका यूनिट नंबर 12 में देवा मस्जिद के बिल्कुल नीचे, तो एक दफ़ा आपका ट्राई करना बनता है। इनकी बोतल बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका मकसद अंकल ने बता दिया है कि इतने टाइम से लगा रहे हैं, तो कोई तो वजह है लगा रहे हैं। आप आज आप रिव्यू देना चाहते हो? नहीं आज आपको खाने को नहीं मिलेगा, क्यों? अच्छा, ये वजह क्या अंकल? इसे पेपर में इसलिए लगा के देते हैं कि आजकल लोग जो है ना फास्ट फूड की तरह से बाहर खड़े होकर पीते हैं। मेरे पास कोई टेबल या कोई बाहर वाला तो है नहीं, इसलिए मैं इसको ढक के देता हूँ कि ये वाइट चीज है, आते जाते किसी की नज़र ना पड़े। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नज़र ना लगे। वो वाइट चीज़ को मना भी करते हैं कि नहीं रखना चाहिए रात में खासतौर पर। अच्छा, ये है वो दूध की बोतलें जो आप देख सकते हैं, और इसमें कोई फ्रिज वेरिज नहीं है, क्योंकि बर्फ़ से इसको ठंडा किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा यक थी अभी जब हमने पी थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो भाई अंकल को इसका क्रेडिट जाता है जो इतना टेस्ट इन्होंने इस बोतल के अंदर दिया है।